Hi. So this question is from DSC 2021. Okay. Question is that two players must independently and simultaneously decide how much to donate to a charity organization. Okay. Each has a budget of rupees 200. So let me use the letter M for budget. So M1, that is budget of player 1, is 200. And M2 is also equal to 200. Okay? Budget is 200. Whenever the charity receives at least rupees 100 in aggregate, irrespective of the identity of the donor, each player enjoys a payoff equivalent to 60. ठीक है, so what does that mean? यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों ने decide किया है to donate. Okay, so let's say contribution या donation made by player 1 is C1 and contribution या donation made by player 2 is C2. Okay, so they are calling it X and Y. If player donates rupees X and second player donates rupees Y, that means contribution made by player 1 is X and contribution made by player 2 is Y. Okay? So this captures the fact that they are somewhat altruistic. Altruistic ka matlab hota hai, they think about the welfare of others. Okay? They are not selfish. उन्हें दूसरों के वेलफेयर से भी फर्क पड़ता है. दैट्स वेयर दे आर मेकिंग डोनेशंस. ठीक है, एडिशनल एग्रीगेट डोनेशन अबव रुपीज 200 अबव रुपीज 100 डज नॉट ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा पे ऑफ. ओके, सो देन द पे ऑफ ऑफ फर्स्ट प्लेयर इज, नाउ द थिंग इज क्वेश्चन में पे ऑफ गिवन है, बट द थिंग इज जरूरी नहीं है गिवन होता, बिकॉज क्वेश्चन में एम्पल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है जिसका यूज करके आप पे ऑफ निकाल सकते थे. ओके, तो वो कैसे आएगा मैं एक बार आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? एवरीथिंग इज इन मनी टर्म्स. ऑल पे ऑफ आर कैलकुलेटेड इन मनी टर्म्स. ठीक है, तो यूटिलिटी जो है वो मनी के टर्म्स में, एंड इट डिपेंड्स कि दोनों ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, एंड दैट कट ऑफ इज 100. ओके, अगर दोनों मिलाकर एटलीस्ट 100 रुपीज डोनेट कर देते हैं, यानी इफ एक्स प्लस वाई कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय बोथ ऑफ देम इज एटलीस्ट 100, दैट मीन्स मोर देन और इक्वल टू 100, इन दैट केस उनकी यूटिलिटी मनी टर्म्स में कितनी होगी? एक, उनके पास ऑलरेडी अपना अपना बजट है. फिलहाल मैं बात कर रहा हूं प्लेयर वन की, उसके पास बजट है 200 का. ठीक है, उसमें से उसने कंट्रीब्यूट कर दिया है एक्स. ठीक है, एंड बिकॉज डोनेशन का सम एटलीस्ट 100 है, दे विल गेट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 60. ओके, व्हेनेवर द चैरिटी रिसीव्स एटलीस्ट रुपीज 100 इन एग्रीगेट, ईच प्लेयर एंजॉयज अ इक्विवेलेंट टू रुपीज 60. तो उन्हें 60 रुपीज मिल जाते. ठीक है, एंड इफ सम ऑफ द डोनेशंस इज लेस देन 100, ओके, लेट्स से प्लेयर 1 ने 20 कर दिया, प्लेयर 2 ने 30 कर दिया, एंड इट टर्नड आउट इन टोटल टू बी इक्वल टू 50, देन इट इज लेस देन 100. इन दैट केस दे वोंट रिसीव 60. ठीक है, सो दे हैड अ बजट ऑफ 200 आउट ऑफ विच दे मेड अ डोनेशन ऑफ एक्स, नथिंग एल्स, उन्हें कोई और एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में पहले से लिखी हुई थी, एंड यही फंक्शन भी है. सो व्हेन डोनेशन का सम इज एटलीस्ट 100, तो बजट माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 60 जो उन्हें मिलेगा, एंड व्हेन इट इज लेस देन 100 दे वॉन्ट गेट एनी एडिशनल 60, दे विल जस्ट दे हैव जस्ट देयर बजट एंड माइनस देयर द डोनेशन मेड बाय देम. Okay, so we have the utility functions of both the players in the similar manner. Okay, so U2B
ये सिमेट्रिक गेम है, यू टू बी मैं निकाल सकता हूँ इन सिमिलर मैनर, आई जस्ट हैव टू रिप्लेस एक्स बाय वाई, ओके। तो ही विल गेट 200 माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई प्लेयर टू इज वाई एंड ही विल गेट 60 इफ द सम ऑफ द डोनेशन इज एटलीस्ट 100 एंड इट विल बी 200 माइनस वाई इफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन 100, ओके। तो वेन इट इज लेस देन 100 इन दैट केस दे वॉन्ट गेट additional 60 benefit. So you might think that where is this 60 coming from? So you can make different interpretations. Okay. So let's say कि ये जो charitable organization है, charity organization, उनका कुछ काम ऐसा है कि जब भी उन्हें at least 100 का donation मिलता है, then they provide back to the society. अपने हर donor को वो 60 rupees दे देते, ठीक है? Maybe that's the case. Or you can say that कि charity organization कुछ ऐसा काम करती है जिसका बेनिफिट डोनर तक पहुंचता है, ओके। तो इन दैट मैनर डोनर्स रिसीव एन एडिशनल 60 बेनिफिट, ठीक है? तो जब भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट 100 का डोनेशन मिल रहा है, सो उनका कुछ काम ऐसा है जिसका बेनिफिट डोनर तक पहुंच जाता है, ओके। सो यू कैन मेक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट नैश इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑप्शन में गिवन है, इट इज आस्किंग यू टू चेक दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ यहाँ पर देयर इज ओनली वन नैश इक्विलिब्रियम, दैट मींस एक यूनिक नैश इक्विलिब्रियम है, ओके। दिस गेम हैज मैनी नैश इक्विलिब्रियम्स वेयर द एग्रीगेट डोनेशन इज लेस देन 100 एंड दिस गेम हैज मैनी नैश इक्विलिब्रियम्स इन प्योर स्ट्रेटजीज वेयर द एग्रीगेट डोनेशन इज रुपीज 100 एग्जैक्टली, ठीक है? सो वी नीड टू चेक दैट। सो वी ऑलरेडी हैव द यूटिलिटी फंक्शंस, सो वी नाउ जस्ट नीड बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस। Okay, so let's start with the best response of player one. Okay, inka response yani inki strategy kya hai? He has to choose, player one will choose ki usse kitna contribute karna hai, that means x, and it will depend upon ki player two kitna choose kar raha, right? So best response of player one given the response of player two. So agar player two ऑलरेडी मोर देन और इक्वल टू 100 कॉन्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है? इफ यू ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 100, तब प्लेयर वन को कॉन्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, 60 अब उसे मिल ही जाएगा। 60 कब मिलता है? When the sum is, sum of the donation is at least 100. अगर y, अगर प्लेयर टू ऑलरेडी 100 की डोनेशन दे दे, 100 से ज्यादा की, तो 60 का बेनिफिट उसे ऑब्वियसली अपने आप मिल जाएगा, अब उसे खुद को डोनेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सो दैट मीन्स his best response should be to contribute nothing, because contribute करके जो benefit मिलेगा वो उसे बिना contribute करे भी मिल जाएगा, ठीक है? So rather than subtracting something out of his budget, okay, to get benefit of 60, he जो उसे पहले से मिल रहा था वो नहीं करेगा, ठीक है? Now if you observe this function carefully, इसे ध्यान से देखना, ओके। सो ईच टाइम यू कॉन्ट्रीब्यूट यू गेट आपके यूटिलिटी में से 1 रुपी कम हो जाएगा, ठीक है? फॉर ईच एडिशनल रुपी यू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, यूटिलिटी में से उतना ही मनी रिड्यूस हो जाएगा, ओके? क्योंकि यूटिलिटी यहाँ पर मनी टर्म्स में, राइट? और आपको जब डोनेशन का सम एटलीस्ट 100 होता है, तब आपको 60 का बेनिफिट मिलता है, राइट? तो किस लेवल तक आप कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, ओके? सो अगर आपने यहां पर 60 का डोनेशन दे दिया, देन व्हाट विल हैपन इज 200 माइनस 60 प्लस 60, ये फंक्शन होता अगर आपका जो डोनेशन का सम है वो मोर देन और इक्वल टू 100 हो जाता, ठीक है? तो इन दैट केस 60 से 60 हो जाता है कैंसिल, और यहां पर रह जाते उसके पास उसका अपना बजट, ठीक है, विच इज 200। बट अगर वो बियॉन्ड 60 चला जाए, ओके, इफ ही गोज बियॉन्ड 60, 200 माइनस 61 प्लस 60, ठीक है, तब उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज वो ज्यादा डोनेट कर रहा है और बेनिफिट कम आ रहा है, ठीक है? सो इन दैट मैनर कोई भी 60 से ऊपर डोनेशन नहीं करना चाहेगा, ठीक है? तो बेस्ट रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली
कोई भी 60 से ऊपर डोनेशन नहीं देगा बिकॉज बेनिफिट 60 तक का ही है, उससे ज्यादा डोनेशन देने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट? सो अगर दूसरा प्लेयर डोनेट करेगा 40 और 100 के बीच में, ठीक है, तब जाकर तब प्लेयर वन के लिए बेनिफिशियल रहेगा टू रीच एट दिस यूटिलिटी फंक्शन एंड नॉट दिस, तब तक उसके पास एक एडिशनल बेनिफिट आएगा, ओके? जब तक उसे 60 से कम डोनेशन देना पड़ेगा तभी तक उसे इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने का फायदा है, अदरवाइज नहीं है, राइट? सो इन दैट केस ही विल सिंपली डू 100 माइनस वाई. कैसे? सो लेट्स से प्लेयर टू ने डोनेट किया है 50, तो प्लेयर वन विल ऑल्सो डोनेट 50 और ऐसा करके उसे 60 का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है? सपोज प्लेयर वन ने प्लेयर टू ने डोनेट किया है लेट्स से 44, ओके, देन इन दैट केस प्लेयर वन विल डोनेट 56, टोटल हो जाएगा 100 एंड ही विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 60, यानी अभी भी 4 का बेनिफिट है, राइट? इफ ही डोनेट्स 41, ये कितना करेगा, ही विल डोनेट 59, बेनिफिट मिल जाएगा 60 का एंड अगेन 1 का बेनिफिट है, ओके? सो ये तब तक डोनेट करेगा जब तक 60 से ज्यादा डोनेट ना करना पड़े, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, ऑल राइट? ओके, सो व्हाई दिस लोअर बाउंड इज 40, द रीजन इज कि अगर ये सपोज 39 कर दूं मैं, तो क्या होगा यहां पर, 39 करने पर अगर मैं यहां पर सपोज ये चीज लेट्स से 38 है, अगर मैं यहां पर 39 ले लेता हूं तो ये मुझे क्या देगा, इट विल गिव मी 61, राइट? 100 माइनस 39 इज 61, बट कोई भी 60 से ऊपर डोनेट नहीं करेगा. सो इस कोई, क्योंकि अगर प्लेयर वन 60 से ऊपर डोनेट नहीं करना चाहता, इफ एक्स हैज टू बी लेस देन 60, तो ये वाला बेस्ट रिस्पॉन्स तभी होल्ड करेगा जब वाई 40 से ज्यादा रहे, ठीक है? सो वहां से मुझे ये कट ऑफ मिला, ओके? एंड ये और क्लियर हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट फंक्शन लूंगा, मैं नेक्स्ट कंडीशन लूंगा, व्हेन वाई इज लेट्स से एग्जैक्टली इक्वल टू 40, राइट? अगर वाई एग्जैक्टली इक्वल टू 40 हो जाए, तब अगर वो टोटल 100 बनाने की कोशिश करेगा, ही विल डोनेट 60, उसे बेनिफिट मिलेगा 60 का, ठीक है? कोई फायदा नहीं हुआ, देखा, 60 से 60 हो जाएगा कैंसिल, ही इज बैक टू हिज बजट, ऑल राइट? और अगर वो इंस्टेड डोनेट करेगा 0, ऑल राइट, तब उसकी यूटिलिटी कितनी होगी, सम हो जाएगा 40, विच इज लेस देन 100. अगर सम लेस देन 100 है तो हम इस कंडीशन में, अगर हम इस कंडीशन में उसने डोनेट करा 0, अगेन ही इज बैक टू हिज बजट, 200 यूटिलिटी मिली. सो व्हेन वाई इज एग्जैक्टली 40, ही इज इनडिफरेंट बिटवीन डोनेटिंग एंड नॉट डोनेटिंग, राइट? अगर वो 0 डोनेट करेगा तो भी यूटिलिटी 200 आएगी, अगर वो 60 डोनेट करेगा तो भी यूटिलिटी 200 ही आएगी, बिकॉज 60 पे करके 60 का ही बेनिफिट मिलेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसको मिलेगा वापस 200, ऑल राइट? सो यहां से बात आती है कि कट ऑफ 40 क्यों है, ओके? मूविंग ऑन, व्हेन वाई इज लेस देन 40, ओके, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, देर इज नो पॉइंट फॉर एनी प्लेयर टू डोनेट मोर देन 60. अगर ऐसा है, अगर ये सिर्फ 39 डोनेट करेगा तो इसे अगर 100 बनाना है तो 61 डोनेट करना पड़ेगा, लेकिन 61 डोनेट करके मिलेगा सिर्फ 60, राइट? तो देर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट बिकॉज लॉस हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है 60 का, पे करना पड़ रहा है 61, तो ही इज इन अ लॉस इन मॉनेटरी टर्म्स, ओके? सो इन दैट केस ही शुड डोनेट नथिंग, ठीक है? सो दैट्स द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ प्लेयर वन. Now, because the game is symmetric, I can directly get the best response of player one. क्यों? ये symmetric क्यों है game? So, if you look at the utility functions and the situation, दोनों same situation face कर रहे हैं, same constraints face कर रहे हैं, okay?
if you simply replace x and y, you will in utility function number 1, you will automatically get utility function number 2. अगर आप x और y को interchange कर दो, तो directly आपको utility function number 2 मिल जाएगा, which makes this game symmetric. ठीक है? So in the similar manner, अगर मुझे directly best response function चाहिए, I can simply replace player 1 with player 2 and x with y. All right? So player 2 का best response given the contribution or donation made by player 1, which is x. It will be equal to what? So, अब यहाँ पर constraints, अब यहाँ पे conditions x के terms में हो जाएंगी, right? So, when x is more than equal to 100, तब player 2 को कुछ भी donate करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने आप 60 का benefit मिल जाएगा without even contributing, right? If x is between 40 and 100, तो जब तक दूसरा individual और player donate कर रहा है between 40 and 100, तब तक player के पास एक incentive है कि वो भी डोनेट करके टोटल 100 बना दे, ताकि उसको 60 का बेनिफिट मिल जाए. ठीक है, वो 60 का बेनिफिट मिल जाएगा, पे कम करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई फंक्शन इज 100 माइनस x. ठीक है, एंड व्हेन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 40, देन प्लेयर विल बिकम इनडिफरेंट बिटवीन डोनेटिंग 0 एंड 60, बिकॉज 0 डोनेट करके भी और 60 डोनेट करके भी दोनों पर उसको यूटिलिटी मिलेगी 200 की. सो ही बिकम्स इनडिफरेंट. एंड व्हेन x इज लेस देन 40, अब अगर वो डोनेट करके टोटल 100 बनाएगा, देन उसे लॉस हो जाएगा. ओके, सो देयरफॉर ही विल नॉट डोनेट एनीथिंग. ठीक है, सो दैट्स द बेस्ट रिस्पांस फंक्शन ऑफ प्लेयर 2, व्हिच इज सिमेट्रिक टू प्लेयर 1. ऑलराइट, नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? अब आप इन्हें प्लॉट करोगे. ओके, स्ट्रेटजीज क्या है? प्लेयर 1 की है उसे x चूज करना है, प्लेयर 2 की है उसे y चूज करना है. ओके, कंपैरिजंस आर बीइंग मेड विद रिस्पेक्ट टू 100, 60, 40. ठीक है, सो लेट्स जस्ट फर्स्ट प्लॉट द best response of player 1. When y is greater than or equal to 100, yani baat ho rahi hai yahan ki, here y is greater than or equal to 100, so in that case x is exactly equal to 0. Okay, so y axis par x 0 hota hai, so this is the best response including this point. Okay, बिकॉज यहां पर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100. ओके, नेक्स्ट, व्हेन y इज बिटवीन 40 एंड 100, हियर व्हेन y इज बिटवीन 40 एंड 100, इन दैट केस 100 माइनस y, इन दैट केस x इज इक्वल टू 100 माइनस y, राइट? So it looks like this, but this is applicable till this point because y has to be greater than or equal to 40, greater than 40. Yahan par valid hai. Okay, so which means hame yahan tak rukna padega. Theek hai? And I have not included this point because ye more than 40. Okay, अगर इक्वल होता तो मैं इस पॉइंट को इंक्लूड करता, ओपन सर्कल है, बट आगे आ जाएगा. When y is exactly equal to 40, then x can be 0 or 60. So then in that case it can be 0 or 60. ठीक है, when y is exactly equal to 40, then x can be 0, which is this point, or x can be 60, which is this point. ठीक है, and when y is less than 40, then x is exactly 0. So when y is less than 40, then x is exactly equal to 0.
So this is the best response curve of player one. Okay. Now we need to plot the best response function of player two. Okay. So in the similar manner, we can do that. When x is greater than or equal to 100, y should be 0. When x is greater than or equal to 100, then y is 0. ठीक है. सिमिलरली मैं सिंपली एक सिमेट्रिक कर्व बना सकता हूं रेड वाले कर्व का. मुझे सब कुछ दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है. तो यहां पर ये जीरो चल रहा है 40 तक, तो ये भी जीरो हो जाएगा 40 तक. ठीक है. एंड ये चीज 60 तक गई है एक्स के. सिमिलरली वही फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स है, एंड इट इज एप्लीकेबल टिल व्हेन When x is between 40 and 100, okay? तो ये चला जाएगा यहां तक. ठीक है. एंड देन देर वॉज दिस पॉइंट विच इज दिस, सॉरी. एंड वेन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 40, तब 0 या 60 में से कुछ भी. तो वेन इट इज एग्जैक्टली 40, तब 0 और 60 में से कुछ भी. ठीक है. तो यू कैन क्लियरली सी यहां पर नैश इक्विलिब्रियम कहां पर है. एक तो यहां पर है ओवरलैप, देखो फ्रॉम दिस ग्रीन पॉइंट टू रेड पॉइंट, और एक यहां पर है. ओके. सो ऑल दीज आर नैश इक्विलिब्रियम्स. एंड इफ यू सी ये लाइन क्या बता रही है आपको, दिस लाइन इज टेलिंग यू दैट एक्स प्लस वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 100. ओके. तो यहां पर मल्टीपल नैश इक्विलिब्रियम्स है, such that the sum of donations is exactly equal to 100. Okay. Which is written here. This game has many Nash equilibriums in pure strategies where the aggregate donation is rupees 100. So that's the answer. Isne bola no Nash equilibrium? Aisa nahi hai. Multiple Nash equilibriums hai. Isne bola exactly one? That's not the case. Multiple Nash equilibriums hai. Okay, then it said, this game has many Nash equilibriums where the aggregate donation is less than 100. ऐसा नहीं है, ऐसा एक ही है. इसने बोला many, लेकिन ऐसा Nash equilibrium एक ही है, which is this one 0 0. ये एक Nash equilibrium है, यहाँ पर intersect कर रहे हैं दोनों, but यहाँ पर ये इकलौता है such that x plus y is less than 100. Okay, so that's why C is also wrong. So answer is D. Okay.